नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ब्रदर ब्लॉग चैनल पर। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग क्या है, बरसात रात को बहुत अच्छी आई हुई थी और हम अभी पहुंच चुके हैं नैनीनाथ के जंगलों में। जंगलों में क्या है, क्या आप लोग जो तालाब है, तालाब में पानी की अच्छी आवक हुई है और वहाँ लोगों का रस लगा हुआ है देखने के लिए। भीड़ उमड़ चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा साथियों। ये तालाब का वीडियो है और सामने पहाड़ है, ये पहाड़ देखते हो आप। पहाड़ों के ऊपर जैसे कि बरसात होने वाली है, बादल टकरा रहे हैं पहाड़ों से और पहाड़ बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं। जंगल बहुत ही बढ़िया है, सभी जो लड़के लड़कियां यहाँ आई हुई है सब फ़ोटो शूट कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल विराज ब्लॉग इसको सब्सक्राइब करना। ये प्राचीन बावड़ी है, इस बावड़ी में आप देखते हो पानी आ रहा है। जो जो इस तालाब में पानी आ रहा है, जो जो इस बावड़ी में ऊपर पानी आ रहा है, ये बावड़ी है प्राचीन बनी हुई। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी भी पानी आ रहा है, पानी रुका नहीं है। साथियों, पहले के ज़माने में ये इसका परिंडा हुआ करता था, यहाँ से पानी खींचा जाता था, ये पीने के लायक काम आती थी। और मैं आप लोगों को दिखा दूं पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि रात को जो बरसात हुई थी उसमें पानी रुका नहीं है अभी। और पानी से बचे, क्योंकि पानी जहाँ आ रहा है उसका पता नहीं, कोई दूसरा यानी कि टूट जाए तो पानी का बहाव क्षेत्र अधिक हो सकता है, इसलिए पानी से बचे। ये देखो पानी की आवक, ये बावड़ी में आप लोगों को दिखा दूं, ये बावड़ी है, इसमें पानी चढ़ रहा है और ये पानी इधर से आता है। साथियों, ये पानी आ रहा है, ये पानी अभी रुका ही नहीं है, पानी बहुत ही मतलब लगातार कंटिन्यू रात से आ रहा है पानी। जो अभी 12:01 बज चुके हैं लेकिन पानी अभी भी नहीं रुका है। साथियों, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि पानी कितने वेग से आ रहा है और कैसे आ रहा होगा। ये देखो आप, ये पानी आ रहा है, ये झरने का पानी है, नैनीनाथ के जंगलों में ये झरना बह रहा है, झरने का पानी लगातार आ रहा है और पहाड़ों से निकल कर आ रहा है। साथियों, क्योंकि रात को बरसात अच्छी हुई थी और पानी बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन आया एकदम, जहाँ आप नहा भी सकते हो उसमें। ये प्राचीन दीवारें थी इसकी, ये प्रकोटा बना हुआ था तो प्रकोटा पहले ही टूट चुका है प्राचीन से, में पानी लगातार आ रहा है। आप लोग देखो इधर से आता है ये पानी और इधर ये जा रहा है पानी इस बंदे में, तो अनुमान है कि शाम तक ये बंदा फुल भर जाएगा। और पानी में नागू से पहले भी इस बंदे में 2-4 लड़के मर चुके हैं, तैरने के शौकीन थे वो लड़के मर चुके हैं। पानी इधर से आ रहा है, मैं आपको ऊपर बार बार दिखा रहा हूँ, ये देखते हो आप लोग पानी की आवक देखते हो, नेट एंड क्लीन पानी है। और इधर से भी लड़के फोटोशूट कर रहे हैं, पानी आ रहा है, देखो आप, ये नैनीनाथ का झरना है, ये इन पहाड़ियों से निकल कर आ रहा है। साथियों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, धन्यवाद, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये झरना, कैसा लगा ये पानी, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और चैनल यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पे देख रहे हो फेसबुक पेज फॉलो करना। साथियों,